मौसमी बारिश की वजह से किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। नशेबी इलाकों में बारिश के अलावा गोदावरी नदी का पानी खेतों में जमा होने से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। खेतों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिले के सरपरस्त वजीर व रियासत के काबिनी वजीर अशोक चौहान ने जिला कलेक्टर के साथ आज देही मुकामात पर मुतासर इलाकों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने मुतासर किसानों से बात की और उनके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। जबकि जिला कलेक्टर ने अपने बयान में कहा कि बारिश की वजह से जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई के लिए कोशिश की जा रही है। जिन जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया था उन्हें बीमा कंपनियों से मुआवजे की रकम जल्द से जल्द दिलवाने के लिए मुतासर इलाकों का सर्वे किया जा रहा है। जैसे ही सर्वे का काम पूरा होता है इसकी रिपोर्ट बीमा कंपनियों को दी जाएगी ताकि फसल बीमा स्कीम से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मिल सके। पिछले कुछ दिनों से नांदेड़ में और ऊपरी भागों में जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो गोदावरी पे सब डैम्स और बैरेजेस है वो भर गए हैं और उसके कुछ डैम्स और बैरेजेस गेट्स भी खोलने की वजह से गोदावरी नदी का जो पात्र है उसमें पानी की जो लेवल है वो बढ़ गई है। लेकिन इसमें नागरिकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है पर सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि नांदेड़ जिले में नांदेड़ कॉरपोरेशन एरिया में जो अलर्ट लेवल का जो लेवल है वो 351 मीटर का है और आज के घड़ी में जो लेवल है वो 347 मीटर का आया हुआ है। हमारे पास अभी भी 4-5 मीटर का स्कोप है और ये जो लेवल कंट्रोल करने के लिए हम ऊपर इसमें जायकवाड़ी के जो औरंगाबाद जिलाधिकारी है उनसे भी हम टच में और नीचे निज़ामबाद में जो पोषण पार्ट का डैम है उसमें भी हम कॉन्टैक्ट में ताकि अगर ऊपर से ज़्यादा भाव आया तो नीचे छोड़ के पोषण पार्ट के थ्रू नीचे हम छोड़ सकते हैं। इसलिए अभी घबराने की चीज़ नहीं लेकिन जो नदी के साइड के जो गाँव है और जो कॉर्पोरेशन एरिया के हमने वहाँ पर हमारी जो यंत्रणा है उसको एक्टिवेट कर दी है। हमारे तलाटी मंडल अधिकारी और जो लाइफ जो स्विमर है वो सब हमने हमारी बोट्स हमने पोजीशन कर दी है। इसलिए अगर आज भी बारिश हो रही है आप देख रहे होंगे कि बारिश शुरू हो गई है अगर बारिश की वजह से पानी से लेवल बढ़ती है तो हमारी पूरी तैयारी है और हमने ऑलरेडी लोगों को वहाँ पे सतर्क भी कर दिया है। शिवपुरी का जो बैरेज है उसके अपने 6 दरवाजे खोले गए हैं लेकिन नीचे आप देखोगे कल ही मेरी निज़ामबाद कलेक्टर साहब से बात हुई थी वहाँ पर वो डेली 150 क्यूसेक्स का पानी वहाँ से छोड़ रहे हैं ताकि अगर ऊपर से इनफ्लो बढ़ गया तो आपको तुरंत नीचे पानी छोड़ने में आसानी जाएगी।